बदन पर काला भुका, मन में कुछ मांगने की मन्नत, पर मस्जिद की जगह मंदिर। यह है भगवान और भक्त का अटूट प्रेम। हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करने वाले लोगों, जरा ये तस्वीर देख लो। देखो ही नहीं बल्कि कुछ सीख भी लो और अपने दिमाग से मंदिर मस्जिद के प्रति भरी बुराइयों को निकाल कर फेंक दो, क्योंकि ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। सावन के पहले सोमवार से ठीक एक दिन पहले की यह तस्वीर है जिसने सबको चौंका कर रख दिया। दरअसल तस्वीर में एक मुस्लिम महिला बुर्का पहने हुए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना कर रही है। नमाज की जगह धोख लगा रही है, मन्नत मांग रही है और भोलेनाथ को मनाने के लिए प्रसाद चढ़ा रही है। कल सावन का पहला सोमवार है। भोलेनाथ के भक्तों ने पूरे सावन भर अपने भगवान को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में मैनपुरी नगर का प्राचीन भीमसेन महाराज मंदिर अपने आप में कई किंवदंतियों को संजोए हुए है। सिर्फ भक्तों के लिए यह मंदिर पहली पसंद है। सावन में इस मंदिर का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। मंदिर पर भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाओं के साथ ही साथ संजा भी की जाती है, लेकिन सावन के पहले सोमवार से ठीक एक दिन पहले इस मंदिर पर कुछ अलग ही तस्वीरें देखने को मिली। जब यहाँ एक मुस्लिम महिला बुर्का पहन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने आई, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। लेकिन लोग बस एक ही बात कहते थे कि भगवान तो सबके होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। मंदिर के बारे में बताया जाता है कि नगर के मोहल्ला गाड़ीवान स्थित भीमसेन महाराज का आधुनिक मंदिर 12वीं शताब्दी में अपने स्वरूप में आया, लेकिन भगवान भीमसेन का विग्रह पौराणिक काल का बताया जाता है। शहर के ईशान कोण में जहां माँ शीतला का मंदिर है, वहीं अग्नेय कोण में भगवान भीमसेन विराजमान हैं। मानता है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच इस पावन नगरी की रक्षा के लिए शिवा और शिव को विराजमान किया गया है। बटेश्वर धाम की तरह यहां भी भगवान शिव की प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में है। विग्रह में बड़े बड़े जटा, जूट से अलंकृत चंद्रकला को मस्तक पर धारण करने वाले एवं बड़ी बड़ी मूछों से सुशोभित भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया है। भीमसेन महाराज मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अज्ञातवश के दौरान इच्छु नदी यानी कि ईसन नदी के किनारे किनारे बिटूर जाते समय पांडव यहां रुके थे। पांडवों ने भगवान भीमसेन के मंदिर में रुककर यहां भीमसेन महाराज की पूजा अर्चना की थी। मंदिर की आस्था इतनी है कि यहां हर धर्म हर वर्ग के लोग पूजा करने आते हैं। जी, कल प्रथम सोमवार है सावन का, किस तरीके की मंदिर में तैयारी है? मंदिर में ये कथा जो शुरू हो गई है 14 तारीख से, ये कथा 20 तारीख चलेगी, राम कथा। उसके बाद भागवत कथा है आचार्य पंकज मिश्र जी की, वो 21 तारीख से 26 तारीख तक चलेगी। उसके बाद शिवपुराण है, रामपुर से आ रही है उनकी पवन कौशिक, उनका शिवपुराण होगी। उसके बाद 4 तारीख से अभ्यस द्विवेदी देवी सारा वाली हैं, उनके द्वारा भागवत कथा का आयोजन। इस बार सावन महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं, चारों सोमवार में प्रभाकर डेकोरेटर द्वारा बदल बदल के सजा दिया जाएगा। कभी फूलों द्वारा होगा, कभी बेलबीटों द्वारा होगा, और लास्ट सोमवार पब्लिक डिमांड बच्चों की डिमांड पर रंग बिरंगी बर्फ से किया जाता है। क्या महत्व क्या है इसका? इसका महत्व तो हमारे गुरुदेव ने बताया था कि जब पांडव यहाँ से निकले थे तो पांडवों ने एक बार एक दिन यहाँ स्टे किया था, क्योंकि जो ईश्वर नदी है इसका पुराणों नाम इच्छुमती नदी है। लीक पहले ज़्यादा हुआ करती थी, पहले यातायात के साधन सड़क नहीं थी तो नदियों द्वारा ही आवागमन होता था। तो ऐसा सुनने में आया है कि अपनापुर से बिठूर जा रहे थे पांडव लोग, उन्होंने एक रात बैनपुर स्टे किया और पूजन किया है, पुराणों में इसका उल्लेख आया हुआ है। उसी याद से ये सबसे प्राचीन जिले का सबसे बड़ा मंदिर है। पूरे जिले के और बाहर के जनपदों के भी लोग आते हैं। हर सोमवार को श्रावण में कांवर गंगा भर के कांवरी चढ़ाने आते हैं। जिले का कोने कोने से कोई भक्त बाकी नहीं रहता है जो कि मंदिर के अंदर। सब धर्मों के लोग भी यहाँ देखे जाते हैं, इसीलिए लोग नहीं है। अभी तो
पिछले सावण में हमारी मोमडन पहने आई थी, बुरखा पहने हुए थी और लेकिन चलाने की अनुमति मांगी तो उन्हें टीके चलाने की सुविधा दी गई और वो धन की काफ़ी दिन चढ़ा के यहाँ से निकल गई। किसी के लिए कोई पूजा की भूख नहीं है, जो चाहे आप करते हैं।